विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की मीडिया सेल ने कसी कमर, मंडल स्तर पर प्रभारी नियुक्त। विकास के लिए नहीं दी जाएगी हरे पेड़ों की बलि, एक जगह से दूसरी जगह लगाए जाएंगे पेड़। उप्र में बिना परमिट के सवारी ढोने वाले अंतर्राज्यीय बसों के संचालक पर अब होगी सख्त कार्यवाही। स्मृति ईरानी के बेटे ने किया घर का भूमि पूजन, लोग बोले अमेठी में बस यही विकास होना था। मेरठ में रामलीला ग्राउंड के पास बनेगा डाउन रैंप, फुटबॉल चौक पर भूमिगत स्टेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज विकास खंड ब्रजमनगंज के सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक परिसर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक बजरंग बहादुर सिंह रहे। कार्यक्रम में मुखातिब द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रतिनिधियों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान कर उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किया गया। बिहार प्रदेश के ब्लॉक पर सम्मान समारोह का आयोजन कर प्रतिनिधियों व पार्टी के पदाधिकारियों सदस्यों को सम्मानित कर उनसे सीधा संवाद किया जाए। देखिए, हमारे देश नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है कि सभी विकास खंडों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, उस क्षेत्र के विधायक के जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में, सभी जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, चाहे वो जिला पंचायत हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों का ब्लॉक परिसर में या अन्य परिसर में कहीं भी एक जगह सबको एकत्रित करके सबको सम्मानित करिए, सबसे चर्चा परिचर्चा करिए, साथ ही साथ प्रदेश की भी योजनाओं के विषय में भी उनसे संवाद करिए। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने 3 बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मारी, वहीं 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची डायल 112 ने तीनों युवकों को अस्पताल पहुँचाया, वहीं डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया है। एक युवक की गंभीर हालत में इलाज जारी है। टक्कर मारकर भाग रहे लोडर को चालक सहित पुलिस ने पकड़ लिया है। लालपुरा थाना क्षेत्र के पोथिया गांव का है पूरा मामला। मोटा के पास दुर्घटना बताई जा रही है। बाइक पे 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक बच्चा है 10 साल का, 2 लगभग 35 से 40 वर्ष के लोग हैं। दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए हैं पुलिस की अवेंचर। हम दो मोर्चरी में सौ को रखवा कर आगे के 3 लोग। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली थाना अलीगंज के ग्राम किशन सिंहपुर की रहने वाली सोनवती पुत्री रामपाल ने एसएसपी से शिकायत की है। उसकी सगी बहन गीता का विवाद एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। गीता का पति एसओ सुरेंद्र सिंह और दरोगा अशोक कुमार के साठ गांठ पर ट्रैक्टर से खेत जुतवा दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस वाले आए। उसने बताया कि पुलिस वाले मेरे साथ मारपीट करने लगे और दरोगा अशोक कुमार ने गंदी गंदी गालियां दी। महिला सिपाही सोनम ने भी मारपीट की। ये लोग जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इनसे जान का खतरा है। सोनवती ने थाना अलीगंज पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए जमीन पर कब्जा रोकने और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस वाले आए, पकड़ के ले गए घर से और फिर खेत में जाकर ट्रैक्टर चलवा दिया। पुलिस वाले खड़े होकर ट्रैक्टर चलवाया है और सब जुतवा दी जमीन और हम लोगों को पकड़ के ले गए और बहुत मार लगाई हम लोगों की। क्यों कह रहा कि तुमने जो कि खेत के ताई रोक रही है, मैं खेत पहले नहीं गई थी तो इसलिए। खेत किसका है? खेत मेरे पिताजी के नाम है और मेरी बहन जितवा रही, हम पुलिस वालों ने जितवा दिया है सब खेत। खड़े है कि जितवाओ क्यों उनने को जितवाया? उनने पैसे लेके जितवाया है और कैसे जितवा दिया? खेत किसके नाम है? खेत मेरे पिताजी के नाम है। पिताजी है? इस समय खत्म हो गए। तो आपके सगे पिताजी है? हाँ, मेरे सगे पिताजी हैं। मैं 2 बहन आया हूँ, मेरे भाई कोई नहीं है। अच्छा, तो आप हिस्सा नहीं दे रही हो? हिस्सा नहीं दे रही है और पुलिस वाले हिस्सा नहीं मिलने दे रहे हैं। और फिर दरोगा ने ले जाकर अलग कमरा में और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए दरोगा कमरा में और बोले इसको मारो और देखो कि अगर तुम मुंह तोड़ दो इसका। इतने कान झंपे झंपे ले गए, अभी तक बहुत मार लगवाई मेरी।
खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां देश में मोदी सरकार द्वारा सरसों के तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि पर बढ़ते हुए दामों को और महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बहुजन महासेना भारत के लीगल सेल के आगरा अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भगवान दास निर्मल जी की अध्यक्षता में रसूलपुर स्थित अम्बेडकर पार्क से प्रारंभ कर नालवंद चौराहा, घंटाघर, सेंट्रल चौराहा, सदर बाजार होते हुए जैन मंदिर स्थित सुभाष चौराहे पर पहुंचे और महंगाई का विरोध किया। भारी बरसात में प्रदर्शन में आई बहुजन महासेना की कार्यकर्ता किरण कुमारी ने कहा कि आज स्कूल बंद पड़े हैं और दारू के ठेकों को चालू कर दिया गया है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जी, मामला ये है कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल, महिला उत्पीड़न और बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जुमलेबाज सरकार हमारे खिलाफ ही चल रही है। जितने भी गरीब और मजलूम लोग हैं उन पर अत्याचार कर रही है, हमारी बहनों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन उनकी मुकदमे लिख जाते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। मंजू नाम है मेरा। बैठी क्यों हुई है? गैस सिलेंडर की वजह से बैठे, तेल महंगा है, गैस महंगी है, क्या करें, बच्चों को क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, बेरोजगार है, कुछ नौकरी चाकरी है नहीं हमारे पास। अब नया चे चाहते हैं साहब, सरकार बदलो और हमारे लिए कुछ, इस सरकार को हटाओ, हमारे लिए कुछ धंधा पानी। सरकार ने ऐसा क्या किया है जो सरकार के खिलाफ है? इसके लिए कि पेट्रोल महंगी है, तेल महंगा है, पहले नॉन से तेल से रोजगारी कुछ है नहीं हमारे पास। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की टीम ने दो मिलों पर छापा मारा है। लगभग 55 लाख रुपए की कीमत की हरी मटर और दाल की बोरियां सीज की हैं। दोनों मिलों के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। रत्ना और जयसाई ट्रेडर्स के यहां छापेमारी हुई है। मिलों में मिली सारी दाल व मटर मिस ब्रांड के साथ बिना SSI मार्क, लेबलिंग व पैकिंग का पालन नहीं किया गया था। वही जिलाधिकारी के आदेश पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में दाल एवं तेलों के निरीक्षण एवं सैंपलिंग करने का आदेश हुआ है, जिसके तहत आज राठ तहसील में रचना जय साई ट्रेडर्स के यहाँ छापा मारा गया, जिनके यहाँ जो भी दाल पैक मिली उन्नीस ब्रांड की, SSI के लेबलिंग और पैकिंग का पालन नहीं किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टिया देखने से उसका उल्लंघन माना जा रहा था, इसलिए इनका सैंपल, दोनों का सैंपल संग्रहित कर इनके यहाँ जो भी स्टॉक था उसको ठीक कर दिया गया। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले के कोकरास थाना अंतर्गत ककोड़ा गांव में बुधवार को हुए बागवान हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। SP ने घटना की कॉन्फ्रेंस कर आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। आम की बागवानी कर रहे ब्रजलाल और उसकी पत्नी मीना देवी से महज एक आम को लेकर हुए विवाद, आरोपितों ने दंपति पर अवैध तमंचा, लोहे की रॉड और डंडा से हमला बोल दिया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को SP ने 10,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। एक है शिव बाबू पासी और एक मृतक है बिजला सोनकर। इनके घटना के लगभग 15 दिन पहले आम तोड़ने के, बच्चों द्वारा आम तोड़ने के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है मृतक की पत्नी ने सरे आम इनके शिव बाबू को जो है चप्पल से 2-3 चप्पल मार दिया था। अब ये इन्होंने इसको हृदय से ले लिया और इसका बदला लेने के लिए इन्होंने ठान लिया। तो घटना की रात्रि को लगभग ये रात्रि थी, जब वो बाग में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तो ये लोग 5 लोग कुल थे, जिसमें ये शिव बाबू थे, उनका भांजा था दिलीप कुमार सरोज, और चचेरा भाई था शिव कुमार, और जो इनका भांजा था दिलीप कुमार उसके दो दोस्त थे शिव सागर और प्रदीप कुमार, जो कसिया पश्चिम के रहने वाले हैं। ये 5 लोग आए अपना कुछ खाए पिए नशे की हालत में, उसका बदला लेने के लिए चढ़ करके उस औरत को जो है जिसने चप्पल से मारा था उसको मारेंगे मतलब इन द सेंस की केवल उसको डराने धमकाने के लिए से
डैमेज करेंगे। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में जनसेवा संचालकों को ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हम लोगों को नियुक्त किया जाए। 13 सालों से सरकार के हर आदेश निर्देश को बखूबी पूरा करते आए हैं। जनसेवा केंद्र के नाम से पंचायतों में 1 से ज्यादा चल रहे अवैध केंद्रों को बंद किया जाए। इन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधानमंत्री को संबोधित जनसेवा संचालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जनसेवा संचालक सुरेंद्र पाठक ने बताया, बरेली जनसेवा संचालक सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए उप्र के तमाम पंचायतों में CSC के द्वारा व्यवस्थित किया, ताकि आम जनों तक पंचायत सचिवालय से G2C तथा B2C सुविधाओं को बेहतर एवं सुगमता पूर्वक आम जनों तक CSC एवं महज के माध्यम से जनसेवा संचालकों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।